यस माई डीय स्टूडेंट्स यूनिट इलेवन हमारी चल रही है कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको अंडरस्टैंडिंग क्वारिलेटर्स वर्कशीट थ्री वर्कशीट थ्री के अंदर हम किस किस को डिस्कस करेंगे एक तो करेंगे रोमबस रेक्टेंगल और स्क्वेयर इससे पहले हम ट्रिपीजियम और पैरलोग्राम को डिस्कस कर चुके हैं ट्रिपीजियम पैरलोग्राम के बाद है रोमबस रोम्बस क्या होता है ए पैरलोग्राम ही होता है ये भी ए पैरलोग्राम जिसकी टू एडजस्टेंट साइड्स इक्वल हो मीन एडजस्टेंट साइड्स आपको पहले से ही पता है जिनका वह एक वर्टेक्स कॉमन है ये और ये कॉमन ये और ये इक्वल हो या फिर सी वर्टेक्स के साथ ये और ये इक्वल हो इज कार्ड ए रोम्बस की पैरलोग्राम अपोजिट साइड्स पैरल तो ऑलरेडी है ही हैं इसके साथ साथ एडजस्टेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो रोमबस बन जाता है तो क्या प्रॉपर्टीज बनी ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल द डायगनल ऑफ ए रोमस बाइसेकट टीच अदर एट राइट एंगल्स अगर मैं इनके डायगनल बना दूँ तो ये राइट right एंगल पर बाईसेक्ट करते हैं आगे हम इसको डिस्कस करते हैं और आगे नोट में क्या है इफ द डायगनल ऑफ ए अदर एट राइट एंगल्स अगर किसी पैरलोग्राम के डायगनल्स बाइसेकट करते हैं राइट right एंगल्स पर तो उसका नाम हो जाता है रोमबस्त तो ये भी तीसरी प्रॉपर्टी ही है नोट में जो लिखा है वो एक टाइप से प्रॉपर्टी ही है तीसरी <स्थाँगा> उसके बाद आता है रेक्टेंगल ए रेक्टेंगल इज ए पैरलोग्राम देखो हर में हर एक में आया है पैरलोग्राम क्योंकि ये जितनी भी फिगर्स और बनी हैं उन सब का जो मेन जहां से बन के आई हैं वो पैरलोग्राम से बन के आई हैं ए रेक्टेंगल इज ए पैरलोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज ए राइट एंगल पैरलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और आपको पता है रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बस पैरलोग्राम ऐसे टेढ़ा होता है थोड़ा और ये जब सीधा हो जाता है ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार उसका एंगल सिक्सटी वन ट्वेंटी हो या सेवेंटी फाइव वन हंड्रेड फाइव हो या ऐसा हो लेकिन कभी ना कभी तो नाइन्टी भी होगा ना तो जब कभी भी नाइन्टी आ जाता है कोई भी एक एंगल तो वो रेक्टेंगल हो जाता है अगर एक एंगल हुआ नाइन्टी तो ऑटोमेटिकली सारे हो जाएंगे क्योंकि ये और ये को इंटीरियर हो जाएंगे तो वन एटी होता है ये भी नाइन्टी हो जाएगा ये भी पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये नाइन्टी है तो ये भी नाइन्टी तो दैट तो मीन्स तो जो एक एंगल भी अगर उसका नाइन्टी हो किसी भी पैरलोग्राम का तो वो फिगर जो है वो रेक्टेंगल कहलाती है ठीक है तो ये डेफिनेशन भी हमें सारी लर्न करनी है पढ़नी है अच्छे से उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल पैरलोग्राम के जो डाइगनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते लेकिन रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि सारे एंगल नाइनटी नाइनटी के होंगे जबकि पैरलोग्राम के मान लो ये सेवेंटी फाइव है तो ये वन हंड्रेड फाइव होगा ये सिक्सटी है तो वन ट्वेंटी होगा मीन्स टू एडिशन एंगल्स का सम वन एटी होगा लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल special, स्पेशलिटी आ गई ना नाइन्टी जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे इसको इसके साथ मिलाएंगे और आप मेजर करके देखोगे तो दोनों डायगनल इक्वल आ जाएंगे उसके बाद है एवरी रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज ए पैरलोग्राम हर रेक्टेंगल को और हर रोमबस को हम पैरलोग्राम कह देते हैं बट हर पैरलोग्राम रेक्टेंगल और रोम्बस नहीं होता ठीक है उसके बाद आता है स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज ए पैरलोग्राम स्क्र भी एक पैरलोग्राम होता है इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल क्वल तो प्रॉपर्टी आ गई रोम्बस वाली और वन ऑफ इट्स एंगल आ गई रेक्टेंगल वाली तो जब रोमबस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाती है तो क्या बन जाता है स्क्यर सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है इसमें पैरलोग्राम की भी आ गई रोम्बस की भी आ गई सारी आ जाती है ईच एंगल ऑफ ए स्क्र इज राइट एंगल द डायगनल ऑफ द स्क्र इक्वल डायगनल रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं इसके भी इक्वल होते हैं ऑल साइड्स साइड स्क्र आर इक्वल ये रोमबस में भी होते हैं स्क्र में भी होती हैं द ऑफ अदर एट राइट एंगल्स ये में भी होता है ठीक है अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पर क्या क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वेड्रिलेटर वो कहता है है ठीक है इन विच डायगनल्स आर इक्वल डायगनल इक्वल है तो हम अपने माइंड के अंदर फटाफट फट पीछे से बात लेके आते हैं कि अभी अभी डायगनल इक्वल हमने किस किस के कहे हैं एक तो रेक्टेंगल के कहे हैं और एक स्क्वेयर के कहे हैं ठीक है एंड बाइसेक टीचर एट राइट एंगल्स और बाइसेक अदर एट राइट एंगल्स किसके गए हैं हमने स्केयर के गए हैं तो वट कैन यू से अबाउट द फिगर इज इट ए रेक्टेंगल रोम्बस या स्क्र तो इसका आंसर होगा स्क्यर ये जो दोनों बातें उसने कही हैं कि डाइगनल्स इक्वल भी होने चाहिए और राइट right एंगल पर भी बाइसेकट होने चाहिए तो वो स्केयर में ही होते हैं तो रोम्बस के भी डायगनल अनईक्वल होते हैं बेशक वो राइट right एंगल पर बाइसेक्ट करते हो बट इक्वल नहीं होते तो इक्वल होते हैं स्क्यर में ये सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है पढ़नी है बार बार पढ़नी है क्वेश्चन नंबर टू द डायग्नस ऑफ द रोम्बस आर इन द रेशियो फाइव रेशियो ट्वेल्व इफ इट्स पैरामीटर इज वन हंड्रेड फोर फाइंड द लेंथस ऑफ द साइड्स एंड द डायग्नज बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये और इसमें एक एग्जाम्पल भी है ऐसा ऐसा सेम और चार नंबर में आता है बच्चों ये सम तो बड़े ध्यान से समझना है तो वो कहता है कि एक रोम्बस है रोम्बस का क्या नाम है उसने नहीं बताया हम ले लेते हैं ए बी सी डी लेट ए बी सी डी बी ए रोम्बस इन विच वो कहता है फाइव रेशियो ट्वेल्व है मीन्स एक डायगनल फाइव फाइव है और दूसरा ट्वेल्व रेशियो में है तो एक डायगनल ए सी हमने फाइव एक्स सेलेक्ट कर लिया और जो दूसरा डायगनल है बी डी उसको मैंने ट्वेल्व एक्स सेलेक्ट कर लिया वी नो ओर डायगनल ऑफ द रोम्बस अदर एट राइट एंगल्स तो राइट एंगल पर बाई सेक्ट करके दिखा दो मीन्स ये और ये बराबर होगा ये और ये बराबर होगा अगर ये फाइव एक्स है ए सी तो एर ओ सी बराबर बराबर बट गया फाइव एक्स अपॉइन में टू इसी तरह अगर बी डी ट्वेल्व एक्स है तो बी ओ और ओडी ट्वेल्व एक्स अपॉन में टू बट बट गया लेकिन इसको काटो मत कुछ बच्चे इसको सोचेंगे काट ले यही आगे हमें हेल्प करेगा आसान हो जाएगा सॉल्व करना तो इसीलिए इसको काटना जरूरी अभी नहीं है अब हम क्या करते हैं अब हम इस फिगर को देखते हैं इस फिगर को देखते हैं वो कहता है कि जो रोमबस है इसको ध्यान से अगर हम देखें तो जो ये रोम्बस था ये फोर राइट ट्राइंगल्स में डिवाइडेड दिख रहा है वन टू थ्री फोर और का साइज सेम है इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका 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 बेस बेस, बेस, सेम सेम है, इसका बेस, इसका सेम है, सो पाइथागोरियन ऑन एओबी सिर्फ एओबी पर पाइथागोरियन अगर हम लगाएंगे तो वो सारों के लिए अप्लाई हो जाएगा तो हाइपरटेनियस तो का इज इक्वल टू बेस स्केर प्लस स्केर सो दिस विल बिकम 169 अब क्या है कुछ एक चीज और भी दी हुई थी पेरीमीटर भी दिया हुआ अगेन द रोम्बस इज वन हंड्रेड फोर सेंटीमीटर गिवन तो पेरीमीटर की चारों साइडें बराबर होती है तो इसका पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है दैट इज फोर मल्टीप्लाई साइड जैसे स्क्वायर का होता है वैसे ही इसका होता है तो फोर इन साइड इज वन हंड्रेड फोर तो ईच साइड हो गया ट्वेंटी सिक्स ईच साइड का मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए ए बी जो है वो ट्वेंटी सिक्स यहाँ पे अब हम ले लेते हैं वन को तो ए बी की जगह पर ट्वेंटी सिक्स पुट करना है थर्टीन अपॉइंट में टू एक्स इज ट्वेंटी सिक्स तो एक्स आ गया फोर हमने तो निकालना था कि ईच साइड कितनी है वो ट्वेंटी सिक्स आंसर आ गया और हमने निकालने थे डाइगनल्स तो डाइगनल फाइव एक्स था और ट्वेल्व एक्स था तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाता है और ये सम सिर्फ एट्थ एट्थ में नहीं है नाइन्थ में भी है टेंथ में भी है बहुत काम आने वाला सम है एग्जाम्पल भी आएगी इसका फोर मार्क्स में क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें है सेम एज क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ वर्कशीट टू मैंने आपको बताया था कि वर्कशीट टू के अंदर जो वर्कशीट थ्री है उसके अंदर वर्कशीट टू का सम भी आता है ठीक है उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर ए बी सी डी ज रोमबस ए बी सी डी एक रोमबस है diagonals intersect at O intersect कर रहे हैं वो हमें बता नहीं रहा कि बाई सेक्ट करते हैं वो हमें पता है शो दैट ए ओ बी इज कॉन्गोरेंट टू सी ओ डी तो कोई बात नहीं नहीं बता रहा तो हम अपना यूज़ कर लेंगे वो वी नो ईच साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ इन रोम्बस रोम्बस की हर साइड इक्वल होती है देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए डायगनल्स बाई सेक्ट ईच अदर बाई डायगनल बाई सेक्ट करते हैं तो इस पर मैंने डबल मार्क करा है ए ओ पर ओ सी पर कि ये दोनों बराबर हैं बी ओ और ओ डी पर मैंने ट्रिपल मार्क करा है क्योंकि सिंगल मार्क पहले साइड्स पे लगा दिया था तो ये निशानी ही लगानी है कि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है अब कॉन्गोरेंट प्रूव करना है ए ओ बी इस ट्राइंगल को और सी ओ डी इसको इन दोनों में तीन बातें मिला देते हैं इसकी ए बी साइड इसकी ए साइड और इसकी ओ सी साइड इक्वल है इसकी ओ बी और इसकी ओ डी इक्वल है तो इसकी ए बी साइड और इसकी सी डी साइड भी इक्वल है क्योंकि ये डोम्बस की साइड्स हैं तो बाई एस 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 कॉन्गोरेन्स रोड ट्राइंगल्स ट बिल्कुल आसान टू और थ्री मार्क्स में आता है उसके बाद आया द डाइग्नस ऑफ द रेक्ट एंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ बी ओ सी इज सेवेंटी डिग्री फाइंड ओ डी ए डी ए जिसको भी निकालना है उसमें मार्क कर दो तो ये निकालना है एंगल वन जो है वो सेवेंटी डिग्री है सॉरी जो ये बी ओ सी एक एंगल दिया हुआ है सेवनटी तो इसके ठीक सामने वाले को मैंने एंगल वन लैट कर लिया ठीक है तो एंगल वन भी सेवेंटी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल वी नो डायगनल्स ऑफ द रेक्टैंगल आर ऑलवेज इक्वल एंड बाइसेक्ट इच अदर रेक्टेंगल के जो डायगनल हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं मीन्स ए सी डायगनल और बी डी दोनों इक्वल है बाई सेक्ट का मतलब उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हो गया मीन्स ट्राइ एंगल ए ओ डी जो है वो आईसोसलेस बन गई और राइसोसलेस ट्राइंगल का एक वर्टिकल अगर एंगल हमें पता हो तो बाकी के दोनों निकाल सकते हैं सेवन्थ क्लास में था ये नाउ इन ट्राइ एंगल ए ओ डी एंगल वन इज सेवेंटी डिग्री एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ डी तो हमें बेस एंगल्स निकालना है ओ डी ए चाहे तो ये निकलवाता चाहे वो ए डी निकलवाता मेजरमेंट दोनों का सेम आएगा तो ओ डी ए इज इक्वल टू ओ ए डी दोनों का इक्वल मेजरमेंट कि वन एटी में से वन की वैल्यू माइनस कर दो दैट इज सेवेंटी डिग्री तो ये आ गया वन टेन वन टेन को बाई सेक्ट मीन्स हाफ ऑफ करना है तो सिक्स फिफ्टी फाइव डिग्री प्यारे बच्चों इसी के साथ अगर वो ये ना निकलवा करके ये निकलवाता ओ बी ए या ओ सी डी कोई भी निकलवा लेता तो जो मैंने एंगल वन यहाँ लेट किया था वो हमें यहाँ लेट करना पड़ता सेवेंटी के बिल्कुल पास और ये लीनियर पेयर से हम यहाँ पे निकालते वन टेन आता फिर हम इसको वैसे ही ओ और ओ बी को इक्वल करके हाफ कर लेते हैं उसमें से माइनस करके तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू इक्वी ट्रायंगल्स ऑन ए कॉमन बेस ए सी ए सी एक सबसे पहले लाइन लेनी है एक तो ऊपर ट्राइंगल बनानी है एबीसी और एक बनानी है नीचे ए डी सी इसकी सारी साइड्स इक्वल है ए सी के इक्वल ही ये इक्विलेटरल है ये भी इक्विलेटरल है तो हमने क्या लेना है ट्राई इन ट्राइ ए बी सीज एन इक्वीलेटर ट्राइ अगर इक्वीलेटर ट्राइ है तो उसका हर एंगल सिक्सटी का होगा देअर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी ये नंबर वन हो गया अगेन ट्राई एंगल ए डी सी इज आल्सो एन इक्वीलेटर तो एंगल फोर इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू सिक्स सिक्सटी हो गया और ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी अब ए सी के इक्वल ही ये हैं ए सी के इक्वल ही ये हैं तो इसका मतलब चारों साइडें इक्वल होगी और एंगल्स रिजल्टिंग निकाल लेते हैं एंगल वन पे वन और फोर है तो वन और फोर मिलके के वन ट्वेंटी बना बी पर टू है सिक्सटी सी पर थ्री और फाइव है सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी और डी पर सिक्सटी ओपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए अब इसमें क्या है अपोजिट एंगल्स जिसके इक्वल हों और चारों साइडें बराबर हों तो वो जो रिजल्टिंग क्वेडिलेटर होगा वो क्या होगा रोमबस रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं अगर हमें साइड्स का पता है तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल्स का भी पता है तो हमने ये देखना है कि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल हैं तो दैट मीन्स वो रोमबस होगा एक लास्ट क्वेश्चन है सेवन ये भी बहुत बार आता है पेपर में बहुत बार और इम्पोर्टेंट भी है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डी पी एंड बी क्यू आर प्रपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन डायगनल ए सी ए सी के ऊपर डाइगनल ए सी डायगनल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए हैं हमने तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं एक तो ए ट्राई एंगल ए डी पी और ट्राई एंगल सी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है दूसरा एंगल ए डी पी ये वाला एंगल और एंगल सी बी क्यू ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए और तीसरा ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए ये हमने तीन प्रूव करने हैं सबसे पहले हमने क्या देखना है अगर ये रेक्टेंगल है जो रेक्टेंगल है वो पैरलोग्राम भी होता है पैरलोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑलवेज पैरेलल मीन्स ए डी साइड और बी सी साइड पैरेलल है और ए सी उनका ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल होगी अब इस फिगर में वो कहता है ये परपेंडिकुलर है डी पी तो इसका मतलब एंगल थ्री नाइन्टी का होगा और बी क्यू भी परपेंडिकुलर तो एंगल फोर भी नाइन्टी होगा अब इस ट्राई एंगल के अंदर दो एंगल्स का सम इस ट्राइ एंगल के अंदर दो एंगल्स के सम के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ जिस ट्राइ एंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइ एंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो तो उनका तीसरा एंगल भी इक्वल होता है एग्जाम्पल के तौर पर भी ले लो ये भी नाइन्टी हो गया ये भी मान लो ये सिक्सटी है और ये भी सिक्सटी है तो नाइन्टी और सिक्सटी वन ट्वेंटी बना नाइन्टी और सिक्सटी वन ट्वेंटी तो वन एटी में से जब हम थर्ड एंगल निकालेंगे तो वो भी थर्टी का निकलेगा वो भी तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्राइ एंगल के दो एंगल बराबर हों दूसरी ट्राइ के दोनों एंगल्स के तो उनका थर्ड थर्ड एंगल भी इक्वल होगा तो मीन्स ये थर्ड एंगल हो गया तो थर्ड एंगल मीन्स फाइव एंगल का नाम है क्या ए डी पी और सिक्स का क्या नाम है सी बी क्यू तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो पहले प्रूव हो गया फर्स्ट की बजाय सेकेंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया अब हम आते हैं इस ट्राइ पर एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गया इसकी ए डी और इसकी बी सी इक्वल है अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की और फाइव इज इक्वल टू सिक्स थर्ड एंगल हमने प्रूव कर दिया तो बाय ए एस ए एस ए एस ए से ये ट्राइ एंगल कॉन्ग्रेंट तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया अब अगर ये ट्राइ एंगल कॉन्ग्रोन्ट हैं तो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो बाय सी पी सी टी सो ये थी आपकी वर्कशीट थ्री सो थैंक यू हैव ए नाइस डे